लगे बाजार में असा खरीदया काच माया ढोल बेनसला मोड़ मोड़ आंदा वात माया ढोल बेनसला मोड़ मोड़ आंदा वात माया ढोल बेनसला मोड़ नहीं है तो मलंगी तारी लत्थी पई है सारी हूँ तो पानी बिच कोई नहीं सोच दूड़ खाना नहीं पता नहीं किधे गई है बिजली का ये तार सारी लत्थी पई है ये तो दुबता पंप ही लत्था पिया मिरासिया दी खुसरी ए तार दा कोई नहीं पता लगा तेनू ए तार जी जनाबे आली तुहाडे घर नु जांदी है तुहानू कितनी वारी हो रिया है कि साडे घर च ना वड़िया करो पानी भरण आई हां पानी भरण आई है जी हां ते अपने घरों भर लिया कर साडे आल नलका ही कोई नहीं पंप ही कोई नहीं ते मैं आखा चलो उदू भर ले मनी हां तू ना मेहरबानी कर मेरे ते जदों दी ना तू साडे घर पानी भरण आंदी है ना मेरा तो जेड़ा साई है ना ओदे ते भी तेरा रंग चढ़ा जांदा है अच्छा नहीं बहना लड़ नहीं शाला तेरा साई भी मेरे रंगा होवे है तेरा साई भी शाला मेरे रंगा होवे ते लड़ नहीं वे अपना घड़ा चा ते इत्थू लगी जा अच्छा नहीं बहना मैं तो जाननी हां वे डैन होसे तू भाग जा एंदा बाद मैनू अपनी इस शक्ल ना विखावी मिरासियां दी खुसरी ओए होए 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 एडी डाडी रान ओए नी मलंगी की बने है की बनना एडी डाडी रान तो और तिन लद्दी काय नी लाके चू की आख्या सैनो पानी नी सु भरण दित्ता हलो नी और अबा जानी मैं तने गाल कर लईना तिन और इलाके च लद्दी काय मैं जो बैठी आम तेनो शादी कर लवा मेरे नाल मेरा नाक पे बांधदा है मलंगी नी तू तो मेरी हो दोस्त सहेली पानी भर तू मोड़ आ गई रिमशा एनु कोज ना आखो गरीब बंदे अल्लाह लोक बंदे साई लोक पानी भरण दे दुआ दे सेन ओ मेनू भी पता है कि गरीब बंदे सारा इलम है मेनू लेकिन गल ते ए है ना कि इदा रंग ते इत्थे चढ़दा जांदा है ओ किवें और ए गल मैं एदे सामने तेनु नहीं दस सकदी ना अ तू बाहर नहीं पानी है एवें लगी होई हो ए एवें खपदी रहंदी है हां ओ भैणा जा तू अपना काम कर रे असी कार ले सोएंगे बाहर नहीं बाहर पानी हला ठीक है भर ला पानी आज वड्डा दे खुदा दा ईद दा दे होया कुर्बानी दा दे होया एवे मेरे वास्ते पलूते ना करे भरी गया पानी तेरा भला होवे गरीबन पानी भरा दिता कर तेनू और उठी नी आ जा मलंगी गाल सुननी मेरी तेनू है बख्ता ना मगरूर हो तेनू है डेर लभदा पिया ते ओई तू मैथुए सड़दी है मैनू ही पता है मैं क्यों सड़ा ते दिमाग तो तेरा सही है सड़ना भी मैं तेरे ते है ते मैं जदो ही पानी भरण आवा तू मगरूर ताल ते अखी त्रेठियां करके वे नहीं है ते मैनू पता लग गया बे मैथुए सड़दी है एक गल्ला ना सुना तू जदो आंदी है ना साडे घर ते मैनू ना लगदा डर तेरी वजह करके ना मेरा घर ना बर्बाद हो जावे अच्छा नहीं अच्छा अच्छा बे ए ये नहीं कि मेरे मगर घर तेरा बर्बाद होंदा ते और की उस साल मैनू रब दित्ता ते मैनू वेख के ते सड़दी क्यों वे दुआ कीती कर वेख ला मैं क्रीमा भी नहीं लेंदी ते मेरा वेख रंग बखदा ते मैनू वेख वेख कोला आंदी जानी है हां सुन ले इन गल्ला तेनू वेख के मैं सड़ना ते कोला होवणा और ना खपी कर मेरी दोस्त है हा? मेरी दोस्त है तेरी दोस्त है दोस्त है
सारे जहान चुईया दोस्त बनाइए तेन भी नहीं चंगी लगती। ये तेरी दोस्त है ना, मुड़ मेनू अपना घर जेड़ा है ना वो खराब होंदा नजर पी आंदा है। बढ़िया तेन मैं रोक के आए कुछ ना आखो। तेन मैं कितनी बारी आख्या है ना शक कीता कर ना शक कीता कर। मेरे में कैसी ऐसी गल तो वेख ली है जेड़ी तू आदी है ओदर रंग तेरे तो चढ़दा जांदा है। जे शायद डर है ना ओई हो के रे है तेनु खुद अंदाजा कोई नहीं इस गल दा, तेनु खुद कोई नहीं पता लगदा। की पता लगदा भाई? जदों तू मेरे कोलों मंगदा है ना रोटी, जदों तू रोटी मंगदा है ना ते अपने आप नु वेख्या कर के किवें रोटी मंगदा है। ए ओदे ओदे वांग होंदा जांदा है तू, तेरी टोर भी चेंज हो गई है, टोरा भी तेरी ओदे वांग हो गई है। बस कर नी बस करो। ए वेख हुण ए की करदा पिया हुण? ओ कुछ भी नहीं, तू एवे वेला रोला पाई खलोती है। ए खुदा दा नाम एदे मगरू लै जा तू। अस्सलाम वालेकुम। सलाम क्या हाल है मेरा पुत्र? ठीक हो? अल्लाह दा शुक्र ठीक है चाचा। क्यों बड़े दे खुदा दे हाल हाल गत्ते खलोते हो, लड़ाई गत्ते खलोते हो, बंदे आई कीती करो। कोई नहीं चाचा, आ धी तेरी रोला पाई रख दिए। नहीं नहीं कोई रोला शोला कोई नहीं, कोई लड़ाई नहीं, तुसी आओ बहु। हां मेरा पुत्र गोश्त है इदा ए रख ला। शाबाश शाबाश ठीक है बड़े दे नहीं लड़ी इंदा अल्लाह दे। बहु चाचा बहु। हां तुसी बहु अबू जी, मैं आई है गोश्त रख के। और पुत्रा सुना ठीक हो? ठीक है चाचा, तू सुना तभी आदि करा मैं अल्लाह दा। मुड़ा इसकी कुर्बानी क्यों नहीं की थी? कोई नहीं चाचा, इंजे लेट हो गई है तो मुड़ो रंदी रंदी रह गई है, कौन ये पड़ी आया पर जी आ। अबू जी जी पोत्रो हुन तुसी आए बैठे हो तो दसो की खावना पीवना मैं तुम्हारे वास्ते लाई? मैं खा पी के करू आया, मैं मोड़ा के पहले अपनी लुड्डी टीम ए दित्ती आ मोड़ जाना दुइया छोरियां आले भी ते मैं इन्हों ने इजाजत दियो क्यों मैं जानना दुइया तेरिया बहना ने जाके देनी है ना। नहीं अब्बा तुसी जावना है तो मैनू भी नाल ले जाओ। क्यों मेरा पुत बड़े दे खुदा दे हुन तेन में ले जाना नाल? हाँ मैं अपने घर जावना हुणा जी दले दे भाई तू तैयार होई खलोती है तू मजबूर कीता चुप करके बाओ हुण। अबू जी चलो ना मेरा पुत एंजॉय करो पर हुण अबू जी एक वजह है ना। अच्छा जिदी वजह करके मैं तुहाडे नाल जांदी पई आ ओ मैं तुहानू अग्गा दसेसा, तुसी चलो मेरे नाल। चलो बाजा पोत्र मोड़। हाय 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 कमाल हो गई ने भाई, ओ करमारी रोस गई ने आज ईद लेदे हैं। तू मैनु वे दस बग्गी तेरी दाढ़ी है तैन शर्म नहीं आया भाई छुए नूरा रुसा के ले आया ओथे की आस खांदी पींदी खैरी मेरी ते रोस बना के बड़े दे खुदा दे ओरा लगी आई है ओ मैनु मुलक की आसी की आसन से आले भाई धी वड्डे दे रुसा को रा लेके आ गए को अकल नु हाथ मारया कार मट्ठे पई कार मट्ठे को गाल समझ समझ भी लई कार हम दे लाज शेर ते चाल है ते खेरी मेरी खांदे पींदे नु उत्थे कोई नु टेंशन भी है भला एडा मेरा चंगा बणया ते ओ जान तू जावे गाल ते समझ ला साडे कोल का पूछ ते ला मेरी लुड्डी धी है मैं गया उत्थे कुछ जा दित्ता जेले कुछ दे रहे हो साख्या भी अबू मई नाल ले जा मैं इतने कोई नहीं रहना। मैं क्या पोत की गाल है लड़े हो बिड़े हो वजह का ही दस हो साख मैं अपनी अम्मी ने ज्यादा सिर संग गई जी गाल भी है मैं तेन हूँ क्या ही नहीं गाल दसनी मेनू प्यारी आ सारिया धीया नालों मैंने ढेर प्यारी आ मैं आख चाल मेरा पोत अगा गा टो प्यारी तो है सानू भी पर नहीं धीया गर्वस दियाँ चंगी आदि। वालेकुम सलाम आ गया मेरे पुत्रा। अम्मी आज तो बड़ी गल है लाके दूर आ गया क्यों आई है की रोला सो ਆਪਾਂ ਸੱਚੀ ਤੁਸੀਂ ਖੱਬਦੇ ਪਏ ਹੋ ਬਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਬਣੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸ਼ੋਕਾ ਨਾਲ ਆਈ ਆ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਥੋੜੀ ਆਂਦੀ ਆ ਇੱਥੇ ਰੋਸ ਰੋਸ ਕੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਅੱਗੇ ਤੂੰ ਆਂਦੀ ਐ ਉਹ ਠੀਕ ਐ ਤੇ ਈਦ ਆਦੇ ਵੱਡਾ ਦੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਘਰ ਈਦ ਕਰਨੀਆਂ ਤੂੰ ਅੱਜ ਰੋਸ ਕੇ ਆਈ ਬੈਠੀ ਐ
ते कोई वजह हां ते मैं आई हां ना ए ते पुछना मैं रोला की है तुसी आपस विच लड़दे पए हो नहीं नहीं बहन जी पे दे तो गल सुन लेने हैं किस वास्ते आई सुना के रस के आई है सुना मां मेरी है तो ओ मैं जिस वेले दी आई हूं खपदी पई है प्यो नाल भी क्यों ले आंदा है क्यों ले आंदा है मैं मेरे को ते पहुंच भी मेनू दुख है तकलीफ है की बीमारी है मेनू मैं जो आ गई हूं मुंह चा के मां ते खपदी रहंदी तू मेरी बहन दस की बनया ए जस दसो तेड़ बेड़ जो करंदी पई है मां कोल बैठी प्यो तेरे कोल ब्रामा दे ओ ता तो सन घड़या से या मारे से कुटे ता तो आई है ओयो नहीं मार सकदा उंदी जुरत ही नहीं मारा अम्मी साडे सामने तेड़ बेड़ शुरू की ती खोती ऐ करंदी मां कोल बैठी है प्यो कोल बैठा बिरा कोल बैठे वछल वछल की ती जानी है तू अला दस ने क्यों तने मारया से और मेरी भी सुन लियो ना दस साडा कोई लड़ाई झगड़ा कोई नहीं ना उस मेनू मारया ना मैंने को आखी है गल सिर्फ ए आ के को कोई साडे घर दे नेड़े ही है गवाड़े ओ कोई जनाना जिया जेड़ा है ना ओ साडे घर आंदा है पानी शानी भरड़ भी आंदा है ते कोई लेवनी देवनी शै आंदी है नेती साडे घर बड़िया आंदा है ते जलाने दा काम भी ओही आंदा है उना दे घर ए बड़िया आंदा है ओ जनाना जिया है मैं ओनू पहले होड़िया प्यार नाल समझाया कि इहदे नाल ना रहा कर ना इहदे घर गया कर तू ओदी हुण आदतां जिहड़ियां है ना उठना बहाना खावना ਉਹ ਹਰ ਸ਼ੇ ਉਹਦੇ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਏ ਉਹਦੀ ਟੋਰਾ ਹੀ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਖਲੀ ਲਓ ਜੀ ਪੱਟਿਆ ਪਹਾੜ ਨਿਕਲਿਆ ਚੂਹਾ ਉਹ ਵੀ ਮੋਇਆ ਨਾ ਕਿ ਗੱਲ ਤੇ ਨਾ ਬਾਤ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਮਲੀ ਉਹ ਕੋ ਸਵਾਣੀ ਏ ਚੁੱਪ ਕਰ ਛੋਰੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਉਹ ਸਾਡੋ ਮਸੇਰ ਐਡਾ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਚੰਗਾ ਛੋਰ ਏ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਏ ਸਮਝ ਆਈ ਏ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਉਹ ਚੰਗਾ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਅਮੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਾ ਅਮੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਾ ਬਾ ਤੂੰ ਹੀ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਪਾਂ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਬਿਰਾ ਆ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਆਵੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਇਆ ਅਸਰ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਨਾ ਤੇ ਸਾਥ ਬੁਰਾ ਕੋਣ ਹੋ ਸੀ ਔਰ ਬਿਰਾ ਵਾ ਨਾ ਉਸ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੂੰ ਜਨਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਕਬੜੀ ਕੋ ਰਾ ਕੋ ਸਵਾਣੀ ਆਈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਹੈ ਤੂੰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੇ ਖੜੋਤੇ ਤੂੰ ਦੇਈ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਕਮਲਿਆ ਹੁਣ ਬੇਦਾਂਤੀ ਬਣੀ ਜਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਪੋਤਰੋ ਇਹ ਮਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨੂੰ ਕਰ ਕੇ ਖਵਾਈਂਦੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰਾਜ ਕੇ ਖਾ ਆਗੋਸ਼ ਤੰਦੇ ਪੇ ਕਾੜ ਲਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪ ਬੋਨ ਕੇ ਰਾਜ ਕੇ ਖਾ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਿੱਲੀਆਂ ਹੀ ਖਾ ਜਾਣਾ ਮੰਜੀ ਜਾਣਾ ਸਾਰਾ ਮੇਰਾ ਪੋਤਰ ਆਪੇ ਇੱਥੇ ਗੋਨਵੀਂ ਅਤੇ ਆਪੇ ਪਕਾ ਇਹ ਵੀ ਬਣੀ ਖੋਤੀ ਸ਼ਿਤਾਨੇ ਨੂੰ ਹੀ ਬਣਿਆ ਪਿਆਰਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਮੁਰਬਿਓ ਮਾਲ ਨੂੰ ਪੱਟੇ ਛੱਟੇ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਛਾਣੀ ਪਿਵਾ ਕੇ ਅਤੇ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਮੈਂ ਜਿੱਤਾਂ ਤਾਂ ਜਿੰਦਾ ਨਾ ਤੇਰਾ ਵਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਡਿੰਗਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨ ਪਿਆਨੀ ਆ ਮੈਂ ਗੱਲ ਜਾ ਦੱਸਣੀ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਮਾਂ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਕਾਹ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਭਣੀ ਇਹ ਵੀ ਆ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਛਰਾਈ ਖਲੋਤੀ ਹੈ ਇਹ ਸੋ ਤੇਰੇ ਬਿਰਾਵਾਂ ਤੇਰੇ ਗਾਲ ਕੱਟਣਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਜਿੰਦਿਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿੰਦਾ ਬੈਠਾ ਤੇਰੇ ਵਾਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਡਿੰਗਿਆ ਕੀਤਾ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪੇ ਮੋਕ ਲੈ ਸਕਦਾ ਤੂੰ ਵੀ ਸਿਆਣੀ ਬੇਦਾਂਤੀ ਨਾ ਬਣ ਸਿਆਣੀ ਬਣ ਕੇ ਛੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਆਉਣਾ ਜਾ ਕੇ ਛੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਤੂੰ ਛੇ ਦੇ ਮੋੜ ਹੱਥ ਲਾਈ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਸਾ ਗਿਆ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਤੂੰ ਜਾਗਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੁੱਢੂ ਆਇਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਈ ਤੂੰ ਅੰਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬੇਦਾਂਤੀ ਨਾ ਵੇ ਤਾਂ ਮੁੱਢੂ ਆਇਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਉਹ ਗਿਆ ਵਗ ਤੇ ਉੱਠੀ ਚੱਲ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਛੱਡ ਆਵਾਂ ਉਸ ਘਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਗੁੰਨਾਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਪਕਾਵਾਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਤੂੰ ਰੋਸ ਕੇ ਉਰਾ ਬੰਨੀ ਆਈ ਹੈ ਅੰਮੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰਾ ਬਣਿਆ ਤੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਧੀ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਉਸ ਘਰ ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਉਹ ਸਿਆਣਾ ਨਾ ਬਣ ਸੀ ਓਏ ਉਹ ਸਿਆਣਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹ ਖੁਸਰੀ ਨਾ ਉੱਸੀ ਉਹ ਦਾਈਂ ਦਫਾ ਉੱਸੀ ਤੇ ਉੱਠੀ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲਾਂ ਉੱਠੀ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਵਣਾ ਕਦੀ ਤਾਂ ਮੇਲ ਪੋਸਿਓ ਚਿੱਠੀ ਢੋਲੇ ਆਲ ਗੱਲੀ ਹੋਈਏ ਕਦੀ ਤਾਂ ਮੇਲ ਪੋਸੇ ਚਿੱਠੀ ਢੋਲੇ ਆਲ ਗੱਲੀ ਹੋਈਏ ਕੜਮੀ ਜੇ ਸੁਕਾ ਜਿਵੇਂ ਵੇਖੋੜੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲੀ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਕਾਹ ਨਾ ਕਾਹ ਕਾਹ ਨਾ ਕਾਹ ਚੋਣ ਪਾਮ ਪੁੱਥੇ ਆਈ ਉਹ ਬਰਿੰਦੀ ਆ ਮੂੰਹ ਪਾਣੀ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਪਿਛਾਂ ਹਟ ਜਾਂਦੀ ਆ ਮੂੰਹ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੇਖਿਆ ਹੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਸੜਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਵੇ ਆਈ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਚੋਣ ਪੰਪ ਵੇੜੇ 'ਚ ਲੱਗੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਵਕਤ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਜਵਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇਰੀ ਬਈ ਬੀਵੀ ਲੜਦੀ ਆਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਿਸ ਸਾਰਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਘਰ ਦੇ ਬੇਸਵਾਦੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਭਰਨ ਆ ਗਈ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬੈੜੀਏ ਉਹ ਦਿਲ ਦੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਚੰਗੀ
ਉਹ ਬਸ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਦੋਸਤੀ ਤੂੰ ਅੱਛਾ ਨਾ ਹੀ ਸਮਝਦੀ ਹੋਰ ਦਿਲ ਦੀ ਬੜੀ ਸੁਥਰੀ ਹੈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਤੋਂ ਰੋਸ ਕੇ ਵਗ ਗਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਰੋਸ ਤੋਂ ਵਗ ਗਈ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਐਡੇ ਬੈਡ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਉਹ ਹਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਤੇਰੇ ਉਹ ਰੋਸ ਕੇ ਵਗ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਚੰਗੀ ਬਹੂ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੂ ਕਰਦੇ ਆਸੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਕਹਿਣ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਅੱਜ ਈਦ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਵੱਡਾ ਦੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਰੋਸ ਕੇ ਵਗ ਗਈ ਹੈ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਬੈਠਾ ਬਈ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਕੇ ਗਈ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਫੁਲਕਾ ਕਹਾਂ ਥਾਪ ਕੇ ਦੇਵਣਾ ਗਾਲ ਸੁਣ ਮੇਰੀ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਉਹ ਰੁਸ ਕੇ ਵਗ ਗਈ ਹੈ ਤੇਰਾ ਘਰ ਦਾ ਬੂਹਾ ਦਿੱਪ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਤੇਰਾ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੰਝ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਘਰ ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸਦੀ ਮੀਨਾ ਤਾੜਾ ਕਰਨੀ ਹਾਂ ਤੂੰ ਦਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰੀ ਵੇ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਤੇਰਾ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਵੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਣਾ ਵੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਤੂੰ ਨੇਕ ਬੰਦਾ ਹੈ ਵੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇਰਾ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਥੋਂ ਲੋਕ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਮੇਰਾ ਤੂੰ ਖੌਫ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਤੂੰ ਦੀਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਤੇਰਾ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਜਾਸਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇ ਸਾਂ ਤੂੰ ਲੈ ਸਾਂ ਵੇਥੇ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚੇ ਹਾਂਗਰਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੱਟੇ ਮਰਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਜਾਈਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਲੂਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਦੀਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜੇ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਤੇਰਾ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਜਾਸਾਂ ਮੈਂ ਉਸਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇਸਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੀ ਮਖਲੂਕ ਆਸੇ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਤੂੰ ਨਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਸਾਂ ਉਸਦੀ ਮਿਹਨਤ ਵਾਲਾ ਕਰੇਸ ਅੱਛਾ ਵੇ ਤੂੰ ਜਾ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਕਿਹਦੇ ਜਾਣਾ ਬਾਓ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਹਦੇ ਜਾਊ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਇਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਬਰਜਾਏ ਨੂੰ ਈਦ ਸ਼ੀਦ ਦੇ ਆਉਂਦਾ ਮੁੜ ਈਦ ਜੋ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕੀ ਬਿਰਾਵਾ ਤੋਂ ਈਦ ਦੇਵਣੀ ਹੈ ਬਰਜਾਏ ਨੂੰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਰੋਸ ਕੇ ਵਗ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਰ ਡਾਢਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ ਅਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਬੂਹੇ ਜੰਦਰੇ 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਇਕੱਲਾ ਘਰ ਬੈਠਾ ਮੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਰੋਂਦਾ ਬੈਠਾ ਮੂੰ ਕਾਹੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਉਹ ਕਿਉਂ ਰੋਸ ਕੇ ਵਗ ਗਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੋਰਾਂ ਨਹੀਂ ਖੇਲ ਆਇਆ ਕਾਹੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਤਾਂ ਰੋਲਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇਰੇ 'ਚ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਰੁੱਸੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਖੈਰੀ ਮੇਰੀ ਘਰ ਬੈਠਿਆ ਸੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਬੁਲਾਰਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਈਦ ਦੇਵਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਪਿਓ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਲਈ ਚੱਲ ਮੈਂ ਮੁੜੋ ਤੇਰਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਪਿਓ ਚਾਚਾ ਆਏ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਗੋਂ ਬੋਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੇ ਨਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕਰਮ ਵਾਲੇ ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਟੋਰ ਵੱਗੀ ਹੈ ਮੈਂ ਮੁੜ ਤੇ ਕੀ ਆਖਾਂ ਮੂੰ ਹਲਾ ਖੈਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕਿਹੜੇ ਝਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪਰਨਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਰਾਵਾ ਤੇਰਾ ਬਲ ਹੋਵੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਝਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪਰਨਾਇਆ ਆਏ ਅਤੇ ਬਹਰਾਲ ਉਹ ਸਵਾਣੀ ਮੇਰਾ ਘਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਪਈ ਬੜਿਆ ਤੇਰਾ ਬੂਹਾ ਵੀ ਦਿੱਤੋ ਹੋਵੇ ਨਾ ਅਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤਾਂ ਮੈਥੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਮੁੜ ਕੋ ਤਰਲਾ ਮਾਰੋ ਨਹੀਂ ਕਰਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾਇਆ ਮਨਿਆ ਗਾਰ ਉਸ ਹੁੰਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਹੋਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਵੇਖੇ ਨਾ ਅਵਾਟੀ ਗਵਾਟੀ ਵੀ ਉਹ ਉੱਪਰ ਬਾਲ ਹੱਸਦੇ ਪੈਣ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਪੈਣ ਇਹ ਤਾਂ ਦਿਹਾੜਾ ਜੋ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਬੂਹਾ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਵੇਖੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਸੇ ਬੰਦ ਹੋਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾਇਆ ਮਨਿਆ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਮੁੜ ਬਾਜ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਜ ਇਹ ਬਸ ਸਾਡੇ ਘਰ 700 ਰੁਪਏ ਆਈ ਦੱਸਦੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਬੱਜੇ ਅਸਲੇ ਅਸੀਂ ਆ ਵੀ ਇਹ ਘਰ ਆਪਣੇ ਜਾਵੇ ਇਹ ਮੋੜ ਚਾੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਡੇਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਨਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਿੱਧੀ ਪਿਆ ਖਲੋਤਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਿਰ ਤੇ ਲੱਗੀ ਖਲੋਤੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਬੁੱਲੋ ਹੈ ਅਗਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਓਏ ਅੱਜ ਦੌਰ ਵੇਂਦਾ ਪਿਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਲਿੱਤਰ ਵੀ ਮਾਰਾ ਤਾਂ ਵੀ ਬੈੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਮੈਂ ਲਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਜਾ ਸਕਦੀ ਅੰਮੀ ਇਹ ਦੱਸ ਇਹਨੂੰ ਟੁੱਕੋ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਦਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਚਾੜੂ ਨਹੀਂ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਲਾਡ ਕਰਿੰਦਾ ਤੇ ਮੋੜੇ ਨਖਰੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਈ ਬੈਠੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਾਂ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਘਰ ਜਸਾਂ ਫਰਕ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿਤਨੇ ਜੋਗਾ ਹੈ ਫਰਕ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਯਕੀਨ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਏਡਾ ਸਾਡਾ ਸ਼ਰੀਫ ਮਸੇਰ ਹੈ ਨਾ ਏਡਾ ਉਹਦੀ ਲੋਕ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਈਦ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਦੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸਾਡੇ ਘਰ 700 ਬਣਾ ਅੱਲਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਨਾ ਪਿਆ ਏ ਗਿਲਾਨੀ ਆ ਗਿਲਾਨੀ ਤੇ ਬਾਸ ਆ ਕੋਤਨ ਪੁੱਛ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਹੋਰ ਮਾਸੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ
ठीक और मसेरो वाह मसेरो और सुनाओ तो भी ऐसे अदा की हाल मिल लाए खैर मासी ठीक ठाक है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आवाज तू सुना ठीक मासी ओ चा पानी मेहरबानी जी थवाडे अल्लाह तानी शुक्र अल्लाह तानु सुख देवे मैं ता जी आया मुआ है बिरान भी लाए के अपने घर दी नु लैण तो घर मैं दसना उन्हां नु ए मासी मैं इन जांदा पे आम ते ए अगू रोंदा मेनू टकरिया तो मैंने दस्या भी चाचा गया उत्थे घर हो चाचा आखे मेरी सवानी लैके वो ना आ गया मैं इन्हू आख्या मगर तू टोर ते मैं तेरे नाल जाना मैं लाया मना हाँ मैं तो उन्होंने लैन आया बैठा मठे पै करो मठे स्याने व्याने हो तो गल सोच के कीती करो बंदा कोई पूछताछ तो लैंदा खैरी मेरी इज्जतदार बंदा ये कोई पूछे दसे भी क्यों रुस गई साडा मेरा पोतरे पेश आई कोई नहीं असी धियाँ पर ना छड़िए ना तो मरदियाँ जींदियाँ ना दियाँ होंदियाँ इतने महीने गुजरे खोते केड़े दे थोड़े बूहे तक गया कोई गया रुसावान का कोई ना जी कोई वजह बनी है मियाँ बीवी की जेड़ी वजह तू मैं लाया आंदी है अच्छा उआ गल तो मैं पिया करदा पर मैं थोड़े बूहे ते आया आम ना विरा दा रिश्ता लैण ते जे कोई गलती हो भी गई आया तू तो मैनू तुसा दसना अं वे दे खुदा दे तुसा लाया तो ना आमना क्या बात है सच ने रोचा करावेन गई आ प्यो दादा पुणावेन गई आ एक वे थोड़े मगर भज बगी आ बीमार साहब होर भज आओ साडी आ गल मुका जावा लड़े बैठे नो एक बंदा मरिंदा प्यो मोड़ा आख्या भाई फलाने साध लिया देबू आ के सिन्ना करे भी ओ जले दी सन्ने क्या बात है जी चाचा गल तो कोई ना आई लड़े बोले तो हाँ कोई ना तू है ढेर सारा ते कुछ अपने आप नु ना संभाल के रख्या कर पोतरे मन ना मार जी हुन तुसी जो आए बैठे हो हुन भले अस तू पूछो केड़ी गलती अस दी अस दी वजह थी बहन साडी नि चिक्का ओ मसेरो ए दासो तू इन मारया है नहीं मसेरा मैं तेनु हाथ भी नहीं लाया अलफ तू बे भी नहीं आके इन खर्चा कौन देंदा सारा कुछ दिविंदा है हुन दस हुन कुछ जुर्म तो हुन जिम्मे लावे बैठी अठा मुका के दस दे मुंह ते आ बैठे को ना मैं पूछ लेना बरजाय तू बरजाय तू दस तू खोल के इंदा की गुनाह है या मरेंदा है कुटेंदा है खर्चा नहीं देंदा की करदा है आवाज बिरा गल ते ए है कि साडा कोई लड़ाई झगड़ा भी कोई नहीं ना कदी लड़या है मेरे नाल ना कदी मैनू मारया है ना कदी उच्ची गल भी नहीं कीती बल्कि मेरे नाल खर्चा पानी हर शे देंदा मैनू लेकिन रोला सिर्फ एक बनिया होया जिदे वास्ते मैं लड़ के आ गई हां इत्थे कि एक जनाना जिया साडे घर नेती वड़िया रांदा है ते उना दे घर होंदा इनू मैं इस गल दा ही इनू आख्या कि इहदा चुक्का छड़ दे ते इनू साडे घर भी ना आवण दित्ता कर गल तो सिर्फ इतनी कीती आ मैं इस मेरी गल कोई ना मन्नी ते मैं मुड़ आ गई हां ये दसो सच्ची तो हो ही कूड़ा तो तू ही है अब आज बिरा मैं दी सवाने नहीं पढ़ना हो या ना मैंने जो एक बंदा चंगा नहीं लगता भई वो साढ़े घर ना आवे इन्हों चाहिदा ना के वो होर छड़े ए उल्टा रगड़ा करेंदा मैं बिरावा पता ही की है जेड़िया गल्ला ए करेंदी है ना अपनी गल तो ए भी सच्ची है अपनी गल तो मैं भी सच्चा ओ गरीब मस्कीन मेरी बहन पैर ही नपे तो हाथ ही बदे हाँ एवं तबू चंकी मैं एक गरीब बंदा मूँ मैं थोड़े बूहे ते आ जाता मूँ मेरा हया भैया तेरा मियाँ ही करेंदा है बेसलूकी तो भी मेरे नाल नहीं कीती ते मेरे मगर थोड़े जंदरे वागन मैंने बहुत परेशानी लगी है मैं घर आई हाँ तो मैं बहुत परेशान हो गया भी मेरे पिछले ताले वागन ते माफ़ी दे मैनू जेड़ा मैं आमदी हाँ मूँ जे आखे तो मैं ना उसा जे खुश हो के आके तो चलो मैं आके चलो गरीब हाँ तो तुहाडे बूहे ते आके डानी हाँ थे देवेच मेरा कोई हया भया कोई नहीं हर बंदा मेरी बिजती करेंदा हर बंदा बाल बूल मैंने वट्टे मरें तो मैं उत्थू लू लैके तुहाडे बूहे ते आमदी हाँ वेख मेरी भैन मेरे मुँह वालों मैं भी तुआ रगी मखलूक अल्लाह दी
मेरा जाम पाल जड़ा है ना वह भी थी वसेब का ही आए तो जे मैं लू लैके थोड़े बूहे तो आ ही गई हाँ तो मेरे पिछे थोड़े जिंदरे दे पैन तो मैं मोड़ी लू लैके आ गई हाँ। अल्लाह पाक तुम सुख देवे, अल्लाह पाक तुम बात रखे, तो मैं जे आखे तो मैं ना उसा मेरी भैन मेरे पिछे थोड़े जिंदरे दें वग गए। लै खुदा दे बंदे हो वेखो मैं भी तुआ रंगा इंसान हाँ, मेरा नक मूँह अखी ये तुआ तरह, लेकिन साड़ी नसल दे विच हाय के साडे विच सारे इंज होंदे आंदे ने, ते इंज है भी मेरे वेख लो हालात, मैं तुहाडे रंगा इंसान हाँ, ये अल्लाह पाक दे काम है ना, ते जे मेरा ये जड़ा मैं सूट पायो ने सिर्फ इंज है भाई अल्लाह पाक मैंने इंज बनाया तो मैं पायो नहीं, तो मैथों तुम वह भलो वे अल्लाह पाक उन्हें सुख देवे, मैथों नफरत ना ही करें, मैं जो भी आवा मेरी इज्जत करें, मेरा हया करें, तो उस हया दे उन्होंने घर के ताले वग गए नो, तो मैंने खुदा किया मैंने इस कोई ना ही किया, तो आ वेखो मैं इंसान हाँ जिमें तुम इंसान हो मैं इंसान हाँ। हुण वेखो मखलूक अल्लाह दी, मैं तुआ रगा इंसान हाँ, जेड़े मेरे समझावण वालेयां नूं टुर गए मर गए वग गए, लेकिन मेरी ये मजबूरी आई मैं इस दे मगर, जे तुसी चाहो तुसी मैनूं सियाणे बंदे हो तुसी मैनूं इस खाते लाओ जिवें तुसी इंसान हो, तो मैं समझ जावां मेरे टुर गए जेड़े मैनूं समझावण वालेयां, तो मैं जे तुसी अपने राह ते ला लो तो मैं भी इंसान हाँ, मैं भी तुहाडे तरह हो जासां। जे पूरे पिंड चों एक बंदा मेरा ख्याल रखेंदा भी आए, मेरी इज्जत करेंदा भी आए, मेरी दीदी करेंदा आए, तो हूँ उस तो भी तुसी नफरत करन लग पे, उसकी कदर करनी छड़ गए हो, मैं तू पूछो मेरा दिल चीर के वेखो मेरे दिल कितनी उस वास्ते कदर है, तो इतनी हथ बन के अपील कर सकदा कि ए दी कदर घटाओ नहीं इस दी कदर वधाओ। जिलानी मैनू माफ कर दे। नहीं रिमजा तू की करदी पई है? माफ कर दे मैनू, गलती होगी मेरे तो बहुत बड़ी, मैं इस इंसान को इतना गलत समझिया, तो तू मेरा घर वाला कितना चंगा है, लेकिन मैं तेनू की समझिया, कितना नेक बंदा है तू, मेरे तो बहुत बड़ी गलती हो गई है, तू कितना नेक बंदा है मैं तेनू कभी समझ नहीं सकी, हालांकि तू मेरा साईं है, मैं तेनू कितना गलत समझती रही, तेरे च इतना खौफ है खुदा, तो मैं इस बंदे तो इतनी नफरत की थी, इन्हें धुतका रहा, ओ दे मैं याद कर दिया तो मैं डर आंदा है, फर्क तो सिर्फ इतना ही आना कि भेस बदला होया, इंसान तो साड़ी तरह ही आना, उसी अल्लाह की मखलूक आ, लेकिन मैं ये तो फर्क किया, फर्क तो सिर्फ इतना कि असी पढ़े लिखे घर च पैदा हो, साड़ी उत्थे परवरिश हुई, तो यदि जिथे परवरिश हुई उसी तरह का रह गया है, ये बंदा तो साढ़े प्यार दे काबिल है, तो मैं धुतकार छड़िया, ये मेरे तो की गुनाह हो गया, ये मैं गलत किया, मैनू माफ कर दे। नहीं मैनू माफ कर दे, मैं तो तू माफी मंगनी है, मैं तेरे नाल माफ कीता, माफ कीता, मैं तेरे नाल बड़ा बुरा किया, मैं तेरे दुदकार आ, तेरे तो नफरत की, हालांकि मैं अपने साईं तो भी नफरत की, मैं तो गलत समझती रह गई कि पता नहीं, लेकिन हुण मैनू समझ लग गई है, तू तो अज मेरी अखियां खोल दित्तियां, मैं तो सारे लोगों को भी यो आखसा कि ये बंदे सिर्फ तुहाडे प्यार दे काबिल है, इन्हें प्यार करो, अपने करीब रखो, ताकि ये भी साड़ी तरह बन सकें, तो तू भी मैनू माफ़ कर दे। नहीं नहीं रिमशा, मैं तेन बाद माफ़ किया, तू बस करो इया गल, मैं तेन उस वे समझाना चाह समझावना चाहता हूँ, लेकिन तू मेरे एक ना मनी, मैं इस गरीब से एहसास करेंदा हूँ, तो इन मुआशरे दे विच इज्जत दी बनावना चाहता हूँ, पता नहीं हूँ अल्लाह भी पता नहीं मेरे तो राजी हो सी कि कोई नहीं। नहीं नहीं तू टेंशन ना ला, तू माफ़ी तेन हो गई है, तो तू इहदा ख्याल रखें, इहदी दुआवां च चाहीदियां, तो इहदा जिहड़ा ना आ हुलिया चेंज करके इहनू कपड़े जुत्ती हुणे सां लै के देणे नू। नहीं नहीं मैं हुण इहदा ख्याल रखसा, इह हुण मेरी जिम्मेदारी है, इहदे कपड़े जुत्ती ओ मेरी जिम्मेदारी है, मैं इहनू धो के देसा, बस ठीक है, साडे घर ही रासी,
तेनु एहसास हो गया ना, बस रब राजी हो गया, बस अल्लाह मैनु माफ कर दे। बस तेरे माफ कर दे सी। लोको मैं सिर्फ ये आखसा कि ये जे जेड़े लोग होंदे ना उन्हां नाल प्यार रखो, उन्हां नाल नफरत ना करो, उन्हां दूर ना करो, अपने करीब करो। ये साढ़े प्यार दे काबल हैं, जहाँ सानू प्यार करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग इन्हों दुदकार दें, नफरत कर दें। क्यों? ये उसे अल्लाह दी मखलूक नहीं है, असी मखलूक नहीं है अल्लाह दी। क्यों नफरत कर दें असी इन्हों नाल, क्यों इन्हों दुदकार दें? अगर इन्हों नाल असी प्यार रख सें तो ये अच्छे इंसान बन सें। फर्क सिर्फ इतना आता है ना कि साड़ी परवरिश जिहड़ी आती है वो पढ़े लिखे खानदान च आती है, तो इन्हों का गुनाह इतना आता है कि इस माहौल दे नहीं आते, तो मुड़ भी लोग इतने नफरत की निगाह नाल वेंदे। खुदा का खौफ करो, ये भी उसे अल्लाह की मखलूक है, तो असी भी उसी अल्लाह की मखलूक है। ये ना हो जाए कि इन्हों के दिल चो बददुआ निकले, तो वह बददुआ के सिर पर अल्लाह साथे अजाब नाजिल करे, तो उस अजाब तो बचो। जिन्ना हो सके तुहाडे कोलो इन्हां नाल प्यार करो, इन्हों का ख्याल रखो, इन्हों की इज्जत करो जितना कि तुसी दूसरे लोगों की इज्जत करते हो। ये भी उस इज्जत के काबिल हैं, तो अल्लाह तो डरो तो प्यार रखो ये जो लोगों ने। अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मी रिमशा हुसैन एंड वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, और उम्मीद करती हूँ कि आज की जो स्टोरी हम आपके लिए लेकर आए हैं आपको देखकर काफ़ी मज़ा आया होगा। लेकिन ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं थी, इसमें आपके लिए बहुत बड़ा लेसन है। जैसे कि आपको पता है हर स्टोरी जो है वो हमारी एक इस्लाह के लिए होती है, और इसमें भी बहुत बड़ी आपकी इस्लाह की गई है। देखिए, एक इंसान जो है अल्लाह ताला ने उसे नीचे भेजा है, उसे कोई मसला है, जैसे कि वो कोई आंखों से अंधा है, या वो माजूर है, अपाहिज है, कोई भी उसे प्रॉब्लम है, या इस तरह का इंसान जो आज आपने आपको दिखाया है, तो क्या हम लोगों का हक़ बनता है कि हम उसे नफरत करें, उसे धुतकारें? बिल्कुल भी हक़ नहीं बनता। क्या वो इंसान नहीं है? बिल्कुल इंसान है। सिर्फ फ़र्क होता है ना, इंसान तो हम एक हैं सब लोग, लेकिन हम इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं, उससे और ज़्यादा नफरत करते हैं और उनसे दूर रहते हैं। लेकिन हम लोगों का हक बनता है कि हम उस इंसान से प्यार रखें, उसे अपने करीब रखें। और इस तरह के जो लोग आज आपको दिखाए हैं, उन्हें अपने जितने करीब रखेंगे वो ज़ाहिर हमारी तरह ही बन जाएंगे। लेकिन बात तो सिर्फ माहौल की होती है और इंसान की अपनी सोच की होती है। अगर आप जैसी सोच रखेंगे ज़ाहिर आपने वैसे ही फैसले करने हैं। तो मकसद आपको बताने का ये था कि वो भी उसी खुदा की मखलूक है जिसकी आप हैं। हो सकता है उस इंसान के अंदर हमसे ज़्यादा खौफ खुदा हो, वो ज़्यादा दर्द दिल वाला हो, लेकिन हम लोगों की बदबख्ती है कि हम इन इंसानों को इग्नोर करते हैं और अपने आप को ही अफजल समझते हैं, और इन सब लोगों को हम कीड़े मकोड़े समझते हैं। ठीक है, अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाकर भेजा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने दिल में इंसान के लिए यानी कि आप दर्द दिल भी ना हो, आपको हमदर्दी ना हो, इतनी नफरत करें आप। हम मुसलमान हैं, हमारा ये हक़ नहीं बनता। आप ऐसे लोगों से जितना हो सके प्यार रखें। ऐसे भी हमारे माशरे में इस तरह के ये हिस्से हैं कि हमारे माशरे का ये भी लोग हिस्सा होते हैं, लेकिन हम लोग जिनसे नफरत करते हैं ये हमारा हक बिल्कुल भी नहीं बनता। हमने आज आपको ये चीज़ इसलिए दिखाई है कि इन लोगों से जितना हो सके प्यार करें, इनसे नफरत ना करें, ताकि ये भी हमारी तरह बन सकें। दूसरा, मैं ये कहना चाहूँगी कि ये हमने ईद के लिए वीडियो बनाई थी, लेकिन आप लोगों की एंटरटेनमेंट के लिए महज नहीं थी ये। इसमें हमने आपको ये चीज़ बताई है कि देखिए, ईद जैसे आने वाली है, ईद की खुशियाँ हर कोई मना रहा होगा, लेकिन जैसे कि ये स्पेशल पर्सन होते हैं, इनको भी आप अपनी ईद की खुशियों का हिस्सा बनाएं, ताकि आप अपनी खुशियां जो है उनके साथ बांट सकें, ना कि आप उनको इग्नोर करें। सिर्फ इसलिए हमने ये वीडियो बनाई है। तो अगर आपको ये हमारी छोटी सी कोशिश और ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो आगे आपने शेयर भी करना है, कमेंट्स किया करें सभी के लिए, और लाइक करना भी मत भूलिएगा। एक बार फिर जाते जाते, बाटा प्रोडक्शन ऑफिशियल, जिंदाबाद पाकिस्तान, पाइंदाबाद।